कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 12 अध्याय 12 कठिन समाकल प्रश्न इंटीग्रेशन 3x+5 बाई x³ - x² - x+1 dx का मान ज्ञात करो। अब इसको हल करने के लिए हम इसके बटे वाले पद के पहले गुणनखंड बनाएंगे। 3x+5 बाई x³ - x² - x+1 dx। अगर ध्यान से देखिए तो अंश तो यथावत रहने देंगे, हर के इन दोनों पदों से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, x-1। यहाँ पर कोई पद कॉमन नहीं, मतलब -1, तो क्या होगा x-1, क्योंकि ये माइनस कॉमन निकला है। x-1 दोनों पदों से कॉमन है, तो अगली स्टेप में इसी को हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, 3x+5 बाय क्या हो गई, ये x² - 1 x-1 और ये dx। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व कुछ इस प्रकार से, किसे देखें, यदि हम x² - 1 को देखें ध्यान से, तो हम इसको x² - 1² लिख सकते हैं, मतलब क्या x-1 और दूसरा पद होगा x+1। तो अगली स्टेप में इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 3x+5 बटे x² - 1 को हम क्या लिख सकते, x+1 x-1 dx। ध्यान दे तो x-1 दो बार आ गए, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन क्या 3x+5 बाय x+1 दूसरे ब्रैकेट में x-1² ये dx। अब इसको मान लेंगे हम, इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं किस प्रकार से, कुछ इस ढंग से मान लेंगे कि हमारे पास ये जो वैल्यू है, यानी कि माना 3x+5 बाय x+1 x-1 ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ये है a बटे x+1 धन b बटे x-1 धन c बटे x-1 होल स्क्वायर के कैसे है बराबर। अब जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, देखिए किसका, a का गुणा किससे होगा x-1² + b किससे, b का गुणा होगा x+1 और x-1 से प्लस c का गुणा होगा x+1 से और बराबरी से होगा क्या 3x+5। अब इसमें हम एक एक पदों को जीरो करने के लिए हम क्या करें, मान लो हम x-1 को जीरो के इक्वल रखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको x की जगह पर एक रखना है। ऐसी कंडीशन में दोनों पद तो जीरो हो जाएंगे, लेकिन ये क्या होगा, देखिए ऐसी कंडीशन में c 1-1 बराबरी से 3×1-5 1-1 2 तो क्या होगा 2c बराबरी से 5 और 3 8। इसका मतलब है जो c की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 4 आ गई। आगे देखेंगे अब इसमें अगला क्या, अगले में हम x+1 बराबरी से 0 रखेंगे। यदि हम किसका x+1 की जो वैल्यू है वो कितनी रखे, 0 रखे, तो ऐसी कंडीशन में x=-1 आएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन ये क्या आएगा, देखिए a -1 - 1² क्या 3×(-5) बराबर इसे क्या होगा a (-1)-2 का वर्ग 4 आएगा, (-3) में से 5 को हम घटा देंगे,
तो कितना बचेगा, दो बचेगा, तो क्या आएगा, ए बराबरी से दो बटे चार, मतलब किसका मान, ए का मान, ए का मान आ गया एक बटे दो। अब यदि हम इस समीकरण दो में, कौन से समीकरण में, दो में, यदि समीकरण दो में, समीकरण किस में, दो में किसके बराबरी से, यदि हम x बराबरी से जीरो रख लें, a बराबरी से क्या वैल्यू आई हमारे पास, a बराबरी से हमारे पास एक बटे दो है और c बराबरी से क्या चार है। इन तीनों मानों को यदि अपन क्या करते रखते हैं, तब कंडीशन देखिए समीकरण दो की क्या बनेगी, क्या होगा, a की जगह पर एक बटे दो, एक्स की जगह पर जीरो माइनस वन होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू को तो पता करना है, एक्स मीन्स जीरो प्लस वन, एक्स मीन्स जीरो माइनस वन प्लस सी की वैल्यू चार, सी की वैल्यू थी चार, एक्स मतलब जीरो प्लस वन, तीन गुणित शून्य धन पाँच। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ऋण एक का वर्ग धन एक हो जाएगा, ऋण एक का वर्ग इसमें धन एक में बदल जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक बटे दो, धन एक ऋण एक, ऋण एक होगा तो ये ऋण भी बन गया, ये हमारे पास है चार एकम चार, तीन शून्य शून्य धन पाँच पाँच, ये चार इधर चल जाएगा, एक बटे दो भी इधर चल जाएगा, तो क्या आएगा ऋण भी बराबरी से पाँच ऋण चार ऋण एक बटे दो, पाँच में से चार घटेंगे तो एक, एक में से एक बटे दो को क्या कर देना, घटा देना, एक में से जब हम एक बटे दो को क्या करेंगे घटाएंगे तो हमारे पास मान आएगा धन एक बटे दो, लेकिन इधर ऋण है तो ऋण का गुणा कर देंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ गई ऋण एक बटे दो, तीनों पद हमारे पास आ गए कौन कौन से, ए बी और सी, ए बी और सी, अतः हम हमारे पास जो इंटीग्रेशन है उसमें वैल्यू को रखते हुए, अतः इंटीग्रेशन में वैल्यू को रखते हुए क्या 3x प्लस फाइव बाय क्या लिखे हम इसको x प्लस वन, जो गुणनखंड निकाले उस रूप में लिख रहे हैं x माइनस वन होल स्क्वायर dx बराबरी से इंटीग्रेशन। अब हमारे पास a के साथ तो एक बटे दो था, एक बटे दो इंटीग्रेशन dx बाय एक्स प्लस वन माइनस वन बाय टू, बी की वैल्यू आई है माइनस वन बाय टू, डी एक्स बाय एक्स माइनस वन प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है चार फोर, इंटीग्रेशन क्या डी एक्स बाय एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो मान क्या आएगा वन बाय टू एक्स प्लस वन का लॉग एक्स प्लस वन माइनस वन बाय टू, एक्स माइनस वन का लॉग, अब जब भी लॉग में आता है तो ये एक मोड का साइन आ जाता है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस फोर, जब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये क्या आएगा, ये अंश में ऋण दो में बदलेगी, ऋण दो में धन एक जुड़ेगा तो ऋण एक आएगा, तो इसके इंटीग्रेशन में अंश में ऋण एक, ऋण दो से धन एक घट जाएगा तो ऋण एक आएगा, बटे में वापिस धन एक में परिवर्तित हो जाएगी वैल्यू प्लस सी। इसको हम आगे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं वन बाय टू लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस वन माइनस क्या वन बाय टू लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस वन, ये माइनस फोर हो जाएगी प्लस फोर, ये क्या हो जाएगी माइनस फोर बाय एक्स माइनस वन प्लस सी। लॉग के दोनों पदों में एक बटे दो कॉमन है और साथ ही साथ ये पद एक धन है और दूसरा ऋण है, तो यहाँ पर जिस नियम की हम
को आवश्यकता पड़ेगी, उस नियम को हम लिख रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखेंगे नियम क्या है। यदि लागा फी एम माइनस लागा फी एन ओ, तो एक पद को हम अंश में और दूसरे को हम हर में लिख सकते हैं। एक बटे दो दोनों में, तो एक बटे दो को हम बाहर लिख सकते हैं, तो क्या होगा, एक बटे दो लाग। अंश में क्या लिखे हम, पहली वैल्यू x प्लस वन बाय एक्स माइनस वन माइनस फोर बाय एक्स माइनस वन प्लस सी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष का धन्यवाद।